पुराने एयरक्राफ्ट देखने में है दिलचस्पी तो गोवा के इस म्यूजियम को जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं वो एयर इंडिया का कौन सा एयरक्राफ्ट था जिसने पहली बार इंडिया से इंटरनेशनल फ्लाइट भरी थी? वो प्लेन था लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन और इसे हम आज भी देख सकते हैं। कहाँ पर? गोवा के नेवल एविएशन म्यूजियम में। इस म्यूजियम में एयरक्राफ्ट के अलावा और भी बहुत सी कुछ चीजें देखने को मिलेगी, तो चलिए चलते हैं गोवा के इस नेवल एविएशन म्यूजियम में। नेवल एविएशन म्यूजियम में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेंगे आप लोगों को। नेवल एविएशन म्यूजियम में कुछ ऐसे संग्रहालय हैं जो कि भारतीय वायुसेना के विकास को प्रदर्शित करते हैं। इस म्यूजियम को बिटवीन टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इंडोर गैलरी एंड द सेकेंड इज आउटडोर गैलरी, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्राफ्ट देखने को मिलेंगे। गोवा में स्थित नेवल एविएशन म्यूजियम भारत में अपनी तरह का दूसरा संग्रहालय है। इसके अलावा एक अन्य संग्रहालय दिल्ली में पालम में स्थित है। भारत की नौसेना द्वारा स्थापित इस म्यूजियम में एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन और इसके पार्ट्स, हथियार, विंटेज कार, पुरानी तस्वीरें आदि कुछ मौजूद है जो कि हमें देखने को मिलेंगे। भारत में कई म्यूजियम हैं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे ही एक यह म्यूजियम है गोवा का, जहाँ पर हमें प्राचीन समय में लड़े गए युद्धों से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान होता है। बता दें कि यह म्यूजियम एक मिलिट्री म्यूजियम है। ये है विराट हॉल। इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलते हैं नेवी के वेपन्स। नेवी किस तरह की वेपन यूज करती है? इस इंडोर गैलरी के अंदर आपको बमों और टार पिंडों का संग्रह है जो नौसेना की लड़ाई में उपयोग में लिया जाता था। इसके अलावा आप यहाँ नौसेना के इतिहास के समय की दुर्लभ तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इस म्यूजियम में बच्चों को जरूर लेकर आइए, क्योंकि उन्हें इस म्यूजियम के अंदर इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इंटरेस्टिंग जो मुझे यहाँ पर लगा वो थे यहाँ के ये मॉडल्स, जैसा कि आप देख रहे हैं आईएनएस विराट, और काफी ब्यूटीफुली यहाँ के ये मॉडल्स बने हुए हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पूरा मॉडल्स व्यू दिखाया गया है इस म्यूजियम में, विच इज वर्थ टू वॉच। इंडोर
इन शॉर्ट में मैं आपको इसकी कुछ छोटी सी जानकारी देती हूँ। करीब 30 साल तक नौसेना की शान रहा यह आईएनएस विराट। सिर्फ भारतीय नौसेना में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी में भी आईएनएस विराट ने 25 साल तक अपनी सेवा दी है। आईएनएस विराट को 6 मार्च 2017 को नौसेना से रिटायर्ड यानी सेवा मुक्त कर दिया गया था। विराट भारत से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी में HMS हमलिस के रूप में शामिल रहा, लेकिन भारतीय नौसेना में आने के बाद इसका नाम विराट रखा गया। तो चलिए अब देखते हैं बाहर की आउटडोर गैलरी। ये है बाहर की आउटडोर गैलरी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें घूमते हुए टूरिस्ट नौसेना के डीकम्प्रेशन वाले विमान देख सकते हैं, जिनमें से कुछ 1940 के दशक के पहले के हैं। इस म्यूजियम में एविशन के वो एयरक्राफ्ट रखे गए हैं जिसका इंडियन नेवी ने यूज किया था। नए से लेकर पुराने जो भी एयरक्राफ्ट यूज हुए थे और अब ये एयरक्राफ्ट डीकमीशन यानी कि रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद इन सभी एयरक्राफ्टों को इस म्यूजियम में रखा गया है। सो दिस इज द बेस्ट म्यूजियम जहाँ पर आप इतने क्लोजली नेवी के इन सभी जहाजों को देख सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में जिस इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में मैं बता रही थी, ये वही इंटरनेशनल फ्लाइट है। ये वही प्लेन है जिसने इंडिया से जून 1948 में बॉम्बे से लंदन की फ्लाइट भरी थी। इस तरह के जर्मनी में बने हुए प्लेन्स इंडिया ने 11 एयरक्राफ्ट लिए थे और तब से इसकी जर्नी शुरू हुई। एयर इंडिया से फिर इसे दिया गया एयरफोर्स पर, फाइनली नेवी के पास में, और इसे डीकमीशन होने के बाद रखा गया गोवा के इस नेवल एविएशन म्यूजियम में। तो ये था मेरा आज का गोवा नेवल एविएशन म्यूजियम का वीडियो। आप जब भी कभी गोवा विजिट करें, एयरपोर्ट से आते या जाते हुए यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दिस इज द अनदर ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। आई होप ये एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइकिंग शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, जिससे आपको मेरी न्यू विजिटिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।